राजस्थान के सियासी रण में अब एक और नई पार्टी उतरने वाली है। भाजपा का दामन छोड़कर निर्दलीय विधायक बने हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। बेनीवाल 29 अक्टूबर को जयपुर में हुंकार रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी दौरान वे अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। बेनीवाल ने संकेत दिए हैं कि चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली किसी भी पार्टी के साथ वे गठबंधन कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से ऊब चुकी है और अब जनता के पास उनकी पार्टी कल्प के रूप में मौजूद है। हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवाड़ी ने। राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा जिसने पार्टी का दामन छोड़ करके अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाई है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हनुमान बेनीवाल जो कि खींवसर से विधायक है और अब की बार इंडिविजुअल पार्टी लेकर के मैदान में उतरने वाले हैं। हनुमान जी, 2018 विधानसभा चुनाव चौखट पे है, अब आपकी क्या रणनीति है? 29 अक्टूबर को जो पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा था, और राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर जो किसान से बैठे हमारे चाहने वाले हैं, और जो दूर से बैठे हुए राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं राजस्थान के अंदर भी आखिर क्षेत्रीय पार्टी क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी खत्म हुई, तो उन सब का आज हमने यहाँ जो हमारा आगे क्या रणनीति वो हमने आज कह दिया। 29 अक्टूबर को जयपुर की धरती से पांचवी ओंकार हम भरेंगे और ये देश की सबसे बड़ी ओंकार होगी। 15 लाख प्लस लोग जुटेंगे और हम नई पार्टी का ऐलान 29 अक्टूबर को जयपुर की धरती से करेंगे। दोनों पार्टियों को घर बिठाएंगे, आम जन को, राजस्थान को रोजगार, किसानों को बिजली पानी और जितनी भी सुविधाएं और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देने का हम प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आज़ादी के 70 साल बाद किसी किसान को और किसान के बेटे को बेरोजगारी तंग आके आत्महत्या राजस्थान के अंदर नहीं करनी पड़े। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जो 20-25-30 साल पहले हुआ करता था, जहाँ शांति थी, जहाँ रात को भी हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हुआ करती थी। आज तो वसुंधरा के आने के बाद तो राजस्थान के अंदर हालात बिगड़ गए, जीरो हो गए राजस्थान के अंदर। गैंगवार की घटनाएँ देश के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर पड़ी है। हमें युवाओं को एक नई दिशा देनी है और युवाओं और किसानों की सरकार राजस्थान के अंदर बने। दोनों दलों जो मिला जुली का खेल दोनों दल कर रहे हैं, इनको हमें कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाना है। हमें न तो सचिन पायलट जो बाहर का रहने वाला है यूपी का और जम्मू का दामाद है, न पायलट चाहिए और न मध्य प्रदेश की वसुंधरा चाहिए और न किसा बेटा गहलोत चाहिए। हमें ऐसा किसान का बेटा चाहिए जो राजस्थान को नई दिशा दे सके। और ये थे हनुमान बेनीवाल जो कि खींवसर से विधायक हैं और अब राजस्थान की राजनीति में इंडिविजुअल पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। 29 तारीख को महारैली जयपुर में आयोजित करने वाले हैं। कैमरा पर्सन नेमी चंद के साथ आशीष तिवारी, A1 TV, जयपुर।